हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको क्रिसमस क्राफ्ट में गोट कैसे बनाना वो हम आज सिखा रहे हैं। और हमारे जो वीडियोस हैं आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना, अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें बता देना, ठीक है? क्योंकि ये जो इको फ्रेंडली क्राफ्ट है ये न्यूज़पेपर वीविंग का, और ये एकदम मतलब मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सीखें, ठीक है ना? तो प्लीज़ आप लोग और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और जो टीचर्स लोग होते हैं स्कूल के, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत सारे स्टूडेंट को ये सिखा पाएंगे। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ और आप लोग देखिए, मैं बहुत डिटेल में करती हूँ, फास्ट वीडियोस नहीं करती हूँ, ताकि ये वीडियो जो भी देखे, मतलब एक 10 साल का बच्चा भी अगर ये वीडियो देखे तो उसे वो समझ में आना चाहिए कैसे करना है, ठीक है ना? तो फिर चलिए देखिए आप अभी कैसे करना है। अब देखिए, एक रोल मैंने लिया है, इसे मैंने थोड़ा सा कट करके लिया है। ये देखिए ऐसे है ना, एक रोल है ये पूरा, इसमें एक इतना सा ये काट दिया है, आप बाद में भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे हम ना पहले ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे करके, फिर देखिए ऐसे, ये कान है, ये उसके सींग है, और एक कान ऐसे होगा, ये देखिए ऐसे, ये हो गया और एक कान, और देखिए यहाँ उसका मुंह आएगा, ये यहाँ मुंह आएगा उसका, और ये होगा ऐसे ऊपर, देखिए ऐसे, ठीक है? अब देखिए ऐसे, अब ये जो है ये बाहर से आया है ना, तो इसे हम ऐसे करके ऐसे रख देंगे, देखिए ऐसे, सिंपल है ना? पहले ऐसे करके रखना और फिर यहाँ एक थोड़ा सा ग्लू लगा देना, यहाँ पे आप ग्लू लगा के चाहे तो एक क्लिप लेके उसे चिपका देना, देखिए ऐसे, ये हो गया, ये समझ में आया? देखिए ऐसे ऐसे करना है, अब अभी ये हो गया, ये देखिए ऐसे हो गया। अब हमें और एक रोल लेके, देखिए ये जो रोल है ना, इसे ऐसे करके फोल्ड करके, हाफ हाफ फोल्ड करके, फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा ग्लू लगा लीजिए तो अच्छा होता है, वहीं पे वो रुक जाता है। तो ऐसे करके देखिए यहाँ ग्लू लगा देना ऐसे, ठीक है? अब ये हो गया ऐसे, अब क्या करना है हमें, देखिए ऐसे हो गया, ये सामने से ऐसे दिखाई देता है और ये पीछे से ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। अब क्या करना है, और एक रोल लेना है हमें, ये देखिए और एक रोल लेना है, और ये जो रोल है हम जब यहाँ से हम घुमा के लेंगे तो ये जो है आप ऐसे रखना, देखो ये जो है ना यहाँ यहाँ पे थोड़ा ग्लू लगा के इसे इसके अंदर रख देना ऐसे, ऐसे ऐसे रखने के बाद इसके ऊपर, समझ में आया? ये देखिए ऐसे ऐसे रखने के बाद में इसके ऊपर टाइटली घुमाते जाना, देखिए ऐसे, एक दो, तीन, ये देखिए ऐसे घुमा देना, ये हो गया उसका मुंह हो गया, ये दो हो गए उसके कान, ये हो गए दो सींग। अब क्या करना है, ये देखिए ये जो है ना यहाँ इस ये दो लेके इसके ऊपर ऐसे घुमाना, देखिए ये छोड़ देना,
छोड़ के इसके ऊपर घुमाना है। अभी देखिए ऐसे ऐसे करते हुए घुमाते जाना ऐसे, दिख रहा है ना, ये देखिए ऐसे ऐसे घुमाते जाना। इसे थोड़ा ऐसे कर नीचे। अब इतना घुमाने के बाद देखिए उसका ये गला है, आपको कितना बड़ा रखना है आप सोचिए, क्योंकि रोल्स जो होते हैं ना थोड़ा सा किसी के थोड़े मोटे छोटे हो जाते हैं जब वो लोग करते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसे थोड़ा देख के करना है आपको। ओके, अब देखिए ये एक टुकड़ा बचा है, और ये अगर आप चाहें एक यहाँ हम इसे कट कर देंगे ऐसे, फिर यहाँ से मैं एक और एक कलर ले रही हूँ, ये देखिए और एक कलर मैं यहाँ से लेती हूँ, ये पीछे से ऐसे आएगा है ना, ये देखिए ऐसे। देखिए इसके दो हाथ हमें यहाँ करने हैं, तो ये जो बचा है ये दो ये हम यहाँ पे रख देंगे, देखिए यहाँ, नहीं तो दूसरा भी आप कट करके यहाँ पे आप ऐसे रख लीजिए ऐसे हो गया। अभी अब ये दोनों के बीच में से हमें वीविंग करना है, कैसे, एक बार इस तरफ और एक बार उस तरफ, ये देखिए ऐसे ऐसे करते हुए आप यहाँ से यहाँ वीविंग करना है आपको, देखिए ऐसे, एक बार इस तरफ और एक बार उस तरफ, थोड़ा सा इसे फैला दीजिए, ऐसे फैला के करना, ये देखिए ऐसे ना थोड़ा सा फैला के करना है इसे, ऐसे। अभी एक बार इस तरफ और एक बार दूसरी तरफ ऐसे, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीन बार, यहाँ पे दो बार हो गया ना, यहाँ और एक बार करके लेते हैं ऐसे। अब क्या करना है, उसके ये दो हाथ हमें खुले छोड़ देने हैं, तो इसे ऊपर कर देना और सिर्फ ये दोनों, ये दो है ना इसी के बीच में आप वीविंग कर, देखिए ऐसे, एक बार इस तरफ दूसरी बार उस तरह ऐसे अंदर बाहर करते हुए इसे वीविंग करना, ये देखिए ऐसे ये देखिए ऐसे, है ना इजी, ऐसे करके फिर आप इसे चिपका दीजिए यहाँ, ये देखिए इसे ऐसे करके यहाँ पे आप चिपका दीजिए, थोड़ा सा फेविकॉल लगा के एक क्लिप लगा के रखेंगे तो वो अच्छे से चिपक जाएगा। अब ये दोनों हाथ जो है सेम साइज के हम कट करके लेंगे, देखिए यहाँ ऐसे, ठीक है ऐसे, और ये दो पैर है उसके यहाँ पे, देखिए आप अगर लंबा सा इसे रखते हैं तो यहाँ गांठ भी आप डाल सकते हैं, छोटा है तो गांठ मत डालना, देखिए ऐसे करके यहाँ गांठ डाल देना ऐसे। मैं दोनों तरीके इसी में बता रही हूँ, ये भी अगर छोटा है तो उसे स्ट्रेट ऐसे ही छोड़ देना, अगर बड़ा है तो एक ऐसे गांठ लगा देना यहाँ, दोनों साइज पाँव के सेम हो हाइट में, फिर इसे ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर देना, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है इस तरह। उसी तरह यहाँ भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये कम पड़ रहा है, छोटा सा है,
तो हम इसे स्ट्रेट वैसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे, और ये ऐसे हो गए। अब यहाँ आप चाहे तो देखिए ऐसे कट करके यहाँ फोल्ड करके थोड़ा ग्लू लगा लीजिए, और यहाँ इस तरह फोल्ड करके भी आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है आप कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा एक इमेजिनेशन है ना, तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे हाथ में आप लगा के छोड़ दीजिए उसे, ठीक है। फिर आप चाहे तो उसके गले में एक बो भी कर सकते हैं, बो चाहे तो बो भी आप करके बो लगा सकते हो। इतना होने के बाद ये देखिए यहाँ दो आंखें बनानी है आपको। एक्रेलिक कलर लीजिए, और यहाँ पे दो आंखें बना दीजिए। देख सॉरी ये देखिए क्यूट लग रहा है ना, देखिए कैसे आप बच्चों को ऐसा करके दिखाएंगे, बहुत छोटे बच्चे तो उन्हें बहुत खुशी होती है। मेरा जो पोता छोटा था तो मैं ऐसे करके उसे ऐसे ऐसे करके हिला के दिखाती थी। हाँ तो देखिए इस तरह आप उन्हें बना के बच्चों को ये खिलौने की तरह भी आप दे सकते हैं बच्चों को। ये बहुत सेफ होते हैं, इसमें कोई बटन कुछ भी नहीं लगा है, ये बहुत सेफ टॉयज भी होते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप उन्हें ऐसे बना के दीजिए, ये देखिए अच्छा है ना, फनी लग रहा है ना। लेकिन बहुत क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है ये, तो मैंने सोचा आपको सिखा लूँ। चलिए फिर, मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में आपको आप कुछ लिख सकते हैं। बाय, नेक्स्ट वीडियो में और एक कुछ सिखाऊंगी।